बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा है, लेकिन भाई बहुत डेंजरस हो गया अभी का। अच्छा ओए 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 ओए, देखो स्कूटी में बैठ गया आग। भाई बहुत राइड करी मैंने, लेकिन ऐसी बारिश में आज तक राइड नहीं करी। मैं चाइना। यू आर फ्रॉम चाइना? चाइना। आई एम इंडिया। ये 5 घंटा हो गया यार बारिश में चलाते चलाते, भाई क्या दिमाग खराब हो गए अब तो सही में। एक टर्न। हाँ यस। ओ भाई गजब, मतलब एक साल से बंदा घर नहीं गया यार, राइड पे ही है। ये होते हैं असली राइडर। वेल टाइम हो रहा है सुबह का एग्जैक्ट 8, और आज की जो प्रॉब्लम है वो है ये, पूरी रात बारिश, अभी भी बारिश, समझ नहीं आ रहा यार क्या करें। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, एंड आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो भाई भयंकर बारिश है काठमांडू में, और प्रेडिक्शन अभी बोल रहा है कि आज पूरे दिन बारिश होने वाली है। तो वैसे तो मेरा प्लान था कि सुबह सुबह 8 बजे तक मैं पोखरा के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि 7 घंटे का सफर है, और सोचो अब 200 किलोमीटर में 7 घंटा लग रहा है, इसका मतलब रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। बट यार बारिश ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, स्टार्टिंग से ही बारिश, और इतनी बारिश जब हो रही हो ना तो बाइक चलाने में दिक्कत होता है, और खासकर जब रोड खराब हो तो मैं कंफ्यूज सा हो गया हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। एनीवेज निकलना तो है, कोशिश करेंगे 9 बजे तक निकलते हैं। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट करते हैं और चाय पीते हैं और बस यहाँ से निकलते हैं। बारिश में पूरा काठमांडू बिल्कुल खाली है, बस कुछ पागल लोग हैं जो निकले हुए हैं, पूरा रेन गियर पहन लिया ऊपर से नीचे तक, अपनी बाइक उठाने आया पार्किंग से, बस बाइक लेते हैं और निकलते हैं पोखरा की तरफ। टाइम 9 बजने वाला है, थोड़ा लेट हो गए बट ठीक है। चलो भाई बजरंग बली के नाम पे राइड स्टार्ट करते हैं अपनी। जय बजरंग बली। सब जुगाड़ कर लिया, इस पर भी आज पन्नी बांध ली मैंने। चलो भैया अपनी जर्नी बिगिंस फ्रॉम काठमांडू टू पोखरा। यो यो, बस ये बारिश ना होती तो मज़े आ गए होते, पता नहीं क्या ही गोप्रो में फुटेज आएगा, इतना पानी लग जाएगा ना। तब जो भी पेट्रोल पंप रास्ते में दिख गया उसमें रुक के पेट्रोल भरा लेंगे सबसे पहले। ग्लव्स नहीं पहने मैंने अभी यार, ग्लव्स पूरे भीग जाएंगे। तो काठमांडू से जो पोखरा का रास्ता है वो है 200 किलोमीटर एग्जैक्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 200 किलोमीटर में हमें 7 घंटे लगने वाले हैं। तो सुनने में आया है कि 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर रास्ता अच्छा है, उसके बाद रोड बन रहा है और प्योर ऑफ रोड है, तो ये एक समस्या है। किसी में भी नहीं है, पोखरा के रास्ते में है पेट्रोल पंप आगे अभी है। तो भाई काठमांडू शहर को बाय बाय भरी बारिश में ऐसे विदाई की तो नहीं सोची थी मैंने, बट कोई बात नहीं। अभी फिलहाल इसी रास्ते पे हम लोगों को चलना है अराउंड 106 किलोमीटर पृथ्वी हाईवे H04। बस पेट्रोल भराना है यार, कहीं पेट्रोल मिल जाए, पीछे वाले पेट्रोल पंप में तो था नहीं। तो 250 किलोमीटर की रेंज है पोखरा यहाँ से, 200 है तो अपन रिस्क नहीं लेंगे, पेट्रोल भरा लेंगे यार। तो बता रहे हैं आगे बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं, 173 रुपये पेट्रोल है, यानी इंडिया से महंगा पेट्रोल है भाई यहाँ। भैया पेट्रोल से टैंक फुल कर दो। हाँ बस ठीक, अच्छा है। 900 पोखरा का रास्ता कैसा है? वो तो खतरा है, बहुत खराब है। लो भाई पेट्रोल तो फुल हो गया, अब अपन चलते रहेंगे, 2-3 घंटे रुकेंगे नहीं। देखो यार गोप्रो का फुटेज थोड़ा खराब आ रहा होगा, बारिश है, मैं कंटिन्यूसली साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ भी करो आप कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। तो काठमांडू तो हो गया क्रॉस, और अब आ गए हैं पहाड़, पहाड़ का रास्ता स्टार्ट हो गया पूरा पूरा। हाँ जी सर, पोखरा। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू भाई। पुलिस वाले भी छोड़ देते हैं नेपाल में, इंडिया सुन के, अच्छा ब्लॉगर इंडिया से जाइए सर चलो बढ़िया है यार, ये तो नेपाल वालों का प्यार है भाई हमारे इंडियंस के लिए, अपन भाई भाई जो हैं। और मेरे को उम्मीद है जितने भी अपने नेपालीज भाई बहन हैं सब देख रहे होंगे ब्लॉग, और उनको मजे आ रहे होंगे, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बारिश है चाहे तूफान है, जाना है तो जाना है रे। तो बोलना तो बड़े भैया टेन लाओ जर्नी जस्ट वाओ, कुछ भी हो वो भाई जंगल स्टार्ट हो गया तो भयंकर वाला। आधे लोग कह रहे रास्ता बहुत खराब है, आधे लोग कह रहे रास्ता खराब है, चलो लेट्स सी, अपनी आंखों से देखते हैं चल के। सारे लोगों ने बोला कि रास्ता जो 200 किलोमीटर है ना उसमें से 110 किलोमीटर अच्छा है, 90 किलोमीटर बहुत ख़राब है। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो 110 किलोमीटर था वो ये अच्छा है या ये 90 किलोमीटर ख़राब है फिर 110 किलोमीटर अच्छा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, बट अगर ये अच्छा वाला 110 किलोमीटर है तो भैया ख़राब वाला आगे क्या है वो तो पता है, भगवान ही मालिक है। बारिश रुक जा भाई रुक जा,
और क्या ग्रीनरी है, आप ये देखो नेपाल में बहुत ही सुंदर व्यू है। और अपनी बाइक आज जो है 19.6 का माइलेज दे रही है जो कि अच्छा है। मेरे पास 400 प्लस किलोमीटर की रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। 450 किलोमीटर गोप्रो में आपको भी दिखाऊंगा मैंने कैसे वाटर प्रूफ किया है, क्या क्या जुगाड़े करनी पड़ती है यार बारिश में। सही में तो भाई जाम मिल गया जाम। मैं वेट कर रहा था एक दो बाइक वाले निकले, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ भी राइट लेन से बाइक वाले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इंडिया में तो यार हम लोग चले जाते हैं। ओह ये दिक्कत है, इतने हो गई है लैंडस्लाइड जी। हेलो कहाँ जा रहे हो आप? पोखरा? मैं भी पोखरा जा रहा हूँ। हाँ जी ऐसा ओके, तो आपको पता है शॉर्टकट? तो फिर मैं आपके पीछे पीछे ही लग लेता हूँ। बढ़िया। इंडिया में ये पड़ती है 16 लाख रुपये। हाँ यहाँ आपका 50 का हो जाएगा ना। वहाँ के यहाँ ना सब हॉर्न बजा बजा के उनको परेशान कर रहे हैं, देखो। क्या कर रहा भाई। अपनी जान प्यारी नहीं है लोगों को। तो हिमालयन वाले भैया ने बताया कि उनको एक शॉर्टकट पता है जिससे वो ख़राब वाला रास्ता लगभग 50 किलोमीटर के लिए बच जाएगा। भैया मैं दाएं हाथ चलता हूँ थोड़ा। ये देखो लैंडस्लाइड हुआ है अभी, देख रहे हो आप? बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। और बाप रे उड़ी बाबा, आराम से निकल लो भैया यहाँ से। ओह उस तरफ वालों को भी रोका गया है। तो अपने 50 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। जस्ट लुक एट द व्यू, इतना सुंदर व्यू है ना, मजा आ गया। अब आप वो रिवर देखो जिसके साइड में हम लोग चल रहे हैं। और बाप रे क्या बड़ी रिवर है भाई, और बारिश के सीजन में क्या फ्लो आता है। और वहाँ लिखा मस्टैंग। जाना तो है हमको मस्टैंग, बट जाएंगे कैसे ये नहीं पता। बहुत ही भयंकर रिवर है भाई, क्या पानी चल रहा है इसमें, देख के बंदा डर जाए। ये देखो अब भाई साहब खतरनाक। ओ मैन जस्ट लुक एट द रिवर, क्या भयंकर रिवर है यार ये। तो ये जो नदी है इसका नाम है त्रिशूली, त्रिशूली रिवर है ये। आई थिंक फिर से कोई वो हो गया लैंडस्लाइड वगैरह। ओ भाई ये नहीं चाहिए मेरे को, बस रोड ही पे रहूँगा मैं, ऑफ रोड नहीं करने का। ओ यार ये वाली बाइक सही लगती है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अभी लैंडस्लाइड हुआ भैया। ये देखो ओरे देखो स्कूटी में बैठ गया आके भैया, पत्थर। बाप रे भाई रिस्की तो है, पहाड़ से भिड़ा के सोचो। इतना बड़ा पत्थर आपके इंजन को डैमेज कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन यार 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं यार यहाँ पे, हाँ क्योंकि बारिश तो बढ़ती चली जा रही है भैया। अंकल जी चाय मिल जाएगी भाई? बहुत राइड करी मैंने लेकिन ऐसी बारिश में आज तक राइड नहीं करी, सिवाय बारिश के रोड में कुछ हो ही नहीं रहा। रेन गियर पहन तो रखे बट स्टिल पूरा भीग है भाई, बुरे हाल हो गए जिसको बोलते हैं। इस सीजन में नेपाल ना ही आओ तो अच्छा है, अवॉइड करो मतलब मेरे हिसाब से। हाँ भाई सब ठीक ठाक, ये तो नए सब्सक्राइबर बना लिए हमने। एनीवेज हमने पकौड़े मंगा लिए, चटनी आ गई है। और ये देखो गोप्रो की जुगाड़ देख रहे हो, पूरा पन्नियों से मैंने इसको सील किया हुआ है, हर चीज़ भीग रखी है भाई। क्या बचाए और क्या ना बचाए, सब भीग ही गया पूरा पूरा हाल। पकौड़े लुक्स टेस्टी, लेट्स टेस्ट देम। वंस अगेन वी आर बैक ऑन सैडल। मौसम खराब है तो क्या हुआ, इरादे बुलंद है, पहुंच के ही दम लेंगे पोखरा। अभी बहुत दूर है यार, जितना मैं ब्रेक ले रहा हूँ ना बढ़ता ही चला जा रहा है टाइम वहाँ का। वो जो हिमालयन स्क्रैम वाले जो भैया थे वो भी यार आगे निकल गए, अब वो भी नहीं बचे। तो अब शॉर्टकट भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अभी तो असली ऑफ रोड आने वाला है एज पर द आस पास की जनता। और वैसे तो नेपाल बहुत सुंदर है यार, सामने का व्यू देख रहे हो, पहाड़ और जो क्लाउड्स है ना भाई, दार्जिलिंग की याद आ रही भर भर के। रोड अभी तक तो अच्छी भैया, आगे देखते हैं कैसा माहौल रहता है भैया, बताते जाएंगे आपको। और बताओ भाई लोग मौज चल रही है कि नहीं चल रही है? मौज चलती नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर व्लॉगिंग के ये रिस्ट्रिक्शन है ना कि ड्रोन आप उड़ा नहीं सकते, और इतनी बारिश है कि ज़्यादा कैमरे आप चला नहीं सकते, तो बस किसी तरीके से चला रहे हैं काम। ओ भाई तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़वा है, नदी देख के तो मेरी फट जा रही, सही बताएं आप ना। ये देखो ये नाला इस नदी में मिल रहा है आके, इतना पानी मैंने आज तक नहीं देखा। नेपाल में इंडिया से लैंडस्लाइड्स कम होते हैं कंपेरेटिवली, पता है क्यों? ये देखो ग्रीनरी देख रहे हो,
इतना ग्रीन रहा है कि मतलब जितना ज़्यादा पेड़ होगा रूट्स उतना ही लैंडस्लाइड को रोकते हैं, तो इसलिए लैंडस्लाइड यहाँ कम होता है। तो अपन ने अभी चाय पकौड़े खा लिए थे, अब कंटिन्यूस फिर चलाते हैं, 2 घंटे के आसपास, 2 बजे के आसपास रुकेंगे, अब उससे पहले नहीं रुक रहे। भाई जंगल देखो आप लोग, ऐसा जंगल आपने हाल फिलहाल में देखा नहीं होगा, सुंदर भी और भाई डरावना भी है लगे यहाँ तो। खतरनाक व्यू है भाई, मानना पड़ेगा नेपाल ग्रीनरी के मामले में भाई इंडिया से आगे है। बट मैं फैन हो गया भाई सुंदरता का, देख रहे हो, ओह मैन व्हाट अ व्यू, मैसमराइजिंग। मैं रोड मोड पे बाइक को चला रहा हूँ, रोड मोड में ना पावर 50-60% रहता है, अगर डायनेमिक में चलाऊंगा ना तो पक्का कहीं स्लिप हो जाएगी, जरा सा पावर ले लिया ना खत्म, क्या होगा खत्म। अरे अंकल जी कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ऐसे ही यार सोलो में टाइम पास करते चले जा रहे हैं मैं और आप बस, और क्या, ऐसी जगह पे आप ग्रुप मिस करते हो, मतलब अभी सब चारों होते ना तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि डर कम लगता है, और दूसरा आप कनेक्टेड रहते हो तो आपका टाइम पास होता है। अरे भाई एक हैवी राइडर मिल गया यार, क्या बात है, कौन सी बाइक है, KTM, कहाँ जा रहे हैं सर, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम चाइना, ओ नो इट्स नॉट KTM मैन, इट्स सम बिग बाइक। वेयर आर यू गोइंग, विच कंट्री यू आर फ्रॉम, yeah GoPro, yes it's GoPro. You are from my China, you are from China, China, I am India, oh yes, yes. Oh. So where are you going, Pokhara, chalo apne Chinese bhai ek mile, wo bu hui jiang yin wen, ni jin tian qu na li, wo qu qi te wang, oh Pokhara, oh Pokhara, 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 yes yes yes,要不我也跟他一块去博克拉。You？ 那我跟你一起吧。Ah, yes, yes, yes. Okay, he will come with us. Yes, yes, yes. 啊，走 ，come on. Translator 是，跟你聊天，兄弟。He's from China. 我也去博克拉，我也去博克拉。पोखरा 92 किलोमीटर अवे, तो भाई अब जा रहा हूँ मैं अपने एक चाइनीज़ भाई के साथ। मस्त, उसको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, हिंदी तो क्या ही आएगी, पूरा ऐप से बात कर रहा है, बोल रहा है इफ़ यू आर गोइंग टू पोखरा आई विल गो विथ यू। मैं कहा आ जा भाई, दो बाइकर भाई भाई, डिवाइडेड बाई कंट्री, यूनाइटेड बाई राइडिंग। ये कोई बड़ा सा टाउन आया है भाई, सुंदर सा, वाह यार टाउन भी बड़े अच्छे हैं नेपाल के। पोखरा की तरफ 90 किलोमीटर, अब आई थिंक रोड जो है ख़राब आएगा, ये एक ब्रिज है कोई, हाँ यहाँ से क्रॉस करना है। जस्ट लुक एट द रिवर फ्लो मैन, डरावना। त्रिशूला मुगलिन, अच्छा यहाँ से बस रास्ता ख़राब है इसके बाद। मुगलिन तक रास्ता अच्छा था, वो भैया यही बता रहे थे। आपको कभी भी कोई भी मिल सकता है, चाइना का भाई मिल गया यार, ये चीज़ है मस्त है, इन्जॉय करेंगे इनके साथ जर्नी, वाव करेंगे। आई थिंक ऑफ रोड वाला टाइम स्टार्ट हो गया, पानी गहरा है, अपन आराम आराम से घुसेंगे, क्योंकि मैंने आगे गाड़ी देख ली, लेफ्ट साइड से ना पूरी घुस गई वो, अपन निकालेंगे बिल्कुल प्यार प्यार से। हाँ भाई गहरा तो है, पीछे अपने चाइनीज़ भैया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई। बहुत ही भयंकर ख़राब रोड हो गई है अचानक से, ऐसी रोड बन रही है तो जब बनती हुई रोड बारिश में सबसे ख़तरनाक हो जाती है, देख रहे हो। अच्छी भैया चाइनीज़ भाई तो अपना इतना ज़ोर ज़ोर से व्लॉगिंग कर रहा है कि मेरे को सुनाई दे रहा है यहाँ तक, बस समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। उसकी बाइक में तो ऑफ रोड टायर है यार, मेरी बाइक में तो रोड टायर्स हैं, ये भी एक गड़बड़ है। यू नीड प्रॉपर ऑफ रोड टायर्स फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रेन्स, लैंड स्लाइड एरिया। भैया ठीक है क्या करें बताओ, ऐसे चले तो रात में 8 बजे तक पोखरा पहुंच पाएंगे भाई, सच बता रहे। बीच बीच में तो ऐसा ऑफ रोड है कि मेरे को कैमरा ऑन करने तक का टाइम नहीं मिल पाता, मतलब अगर मैंने हाथ छोड़ दिया ना तो बाइक गई। अब ये क्या भाई, कितना गहरा है पानी का फ्लो, चलो ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा बारिश, तो इंद्र भगवान कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं भैया। अरे भगवान जी 2 घंटा रुक जाओ, 3 घंटा कुछ बिगड़ जाएगा आपका, 5 घंटा हो गया यार बारिश में चलाते चलाते भाई, क्या दिमाग ख़राब हो गए अब तो सही में। भाई ये तो लपेट के भगा रहा है, बाइक सही है यार इसकी। पता नहीं कौन सी है बट सही लग रही देखने में, हल्की भी होगी आई बिलीव, इट्स काइंड ऑफ स्क्रैम्बलर बाइक है ना। रोड में जब पानी उल्टी डायरेक्शन में से बह के आने लगे ना,
बहुत डेंजरस हो जाता है भाई, पूरा आपको ना एकदम से हिला देता है। ये हाईवे है भैया, सही बोला था जिसने की बात के 70 किलोमीटर बिल्कुल चौपट है। अब इससे ज़्यादा चौपट और क्या हो सकता है, प्रॉपर ऑफ रोड ही है ये। गांव कितने सुंदर सुंदर है, ये देखो क्या व्यू है भाई, पता ना सूरज तो आज सुबह से मैंने देखा ही नहीं, कहाँ है, किस डायरेक्शन में, कहाँ से निकलता है, कहाँ डूबता है, कुछ पता ही नहीं है। ना दिखेगा आज मेरे को पक्का पता है। दीप रंजन सचान, सब्सक्राइब करिएगा आप भी। पक्का पोखरा से आ रहे हो ना आप लोग? हम लोग तो जा रहे थे वहाँ मुक्ति ना। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ तो नहीं जा सकते ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो तो होता नहीं, पोखरा तक तो जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, पोखरा तक तो जा सकते हैं, लेकिन भाई बहुत डेंजरस हो गया अभी का। अच्छा, दीप रंजन सचान, तो ये बारिश कल से हो ही जा रही है क्या? भाई इतना पानी है ना, फोन भी भीगा जा रहा है। तो अभी यार बस 2 मिनट का ब्रेक लिया है। वहाँ पे देखो इंडिया के भाई लोग खड़े हैं, बिहार से आए हैं, वो देखो ठीक है ना, वो उन लोगों ने बताया कि आगे जो पोखरा का रास्ता है ना, इतना खराब है कि बाढ़ का पूरा पानी रोड पे है और बाइकें ना ऐसे ऐसे बही जा रही हैं। तो सीरियसली स्पीकिंग थोड़ा डर लग रहा है, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, देख के चलेंगे अपन। अगर ज़्यादा रिस्की लगा तो अपन रुक जाएंगे, क्योंकि बाइक यार अपना हैवी है तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ये देखो भाई का बाइक कौन सा है, इट्स अ गुड बाइक, ब्यूटीफुल स्क्रैम्बलर का सबसे 500 cc है, ZF 500, आई थिंक इट्स ट्विन सिलेंडर, यस इट्स ट्विन सिलेंडर, बढ़िया है। ऑलरेडी यार इतना थक चुके हैं ना, बारिश ने थका दिया, ख़राब रोड ने थका दिया, और अभी तो 60 किलोमीटर दूर है पोखरा और पूरा का पूरा रोड ऐसा ही ख़राब है। 3 दिन से पिछले यहाँ बारिश हो रहा है, इसलिए सड़क में ही पानी चल रहा है, पानी से ही निकालना पड़ेगा। खतरनाक रास्ता है, जंस्कार वंस्कार तो इसके आगे कुछ है ही नहीं भाई, सही बता रहे हैं। जंस्कार तो मेरे को आसान लगने लगा इसके आगे, सही बता रहा हूँ मैं। एक्सट्रीम रोड्स भाई, एक्सट्रीम रोड्स। प्यास लग गई तो 2 मिनट रुक के जरा कुछ खा पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहाँ गया मेरा पावर बैंक? बारिश नहीं बंद हुई, बाकी दुनिया बंद हो गई। ओ भाई, पास में लिए रुके हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोड, बहुत ही खराब रास्ता है। और हाँ, वंस अगेन योर नेम? कौपेनी। भाई के साथ हम जा रहे हैं पोखरा, 1 से 2 बजे बेटर है। बाकी आंटी की चाय बोल दी है, चाय पीते हैं। भाई ने हमारे लिए एक रेडबुल की खरीदी है, रेडबुल पियेंगे फिर चलेंगे आगे। वही यहाँ से अपन निकलने वाले हैं, 2 घंटे के अराउंड अभी भी पोखरा रह गया। भाई ने बताया भाई लोग भी साथ साथ ही चल रहे हैं, ये लोग भी भीगते हुए आ रहे हैं, हम भी भीगते हुए जा रहे हैं, मजे आ रहे हैं कुल मिला के। एडवेंचर यही है और क्या। आंटी ने चाय पी लिया, रेडबुल पी ली, अब निकलते हैं, लेट्स गो। अपने भाई भी रेडी है, चाइनीज भाई, नाम ऐसा है कि मेरे को याद नहीं होगा इनका। आगे की 2-2.5 घंटे की जर्नी और स्टार्ट करते हैं भाई के साथ। अच्छा आदमी है यार, बस रोड अच्छा नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है। टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाव वाव वाव, हो गया आओ आओ आओ। ओ भाई क्रेन ही घुस गई, देख रहे हो पूरी। यहाँ तो आराम से निकलना पड़ेगा, डरावने मंजर है यहाँ तो। निकलो भैया, अंधेरा होने से पहले यार हमको आज पोखरा पहुँचना है यार। जब यहाँ दिन में ये हालात हैं तो रात में क्या ही होगा, पता ही नहीं है कहाँ रोड है कहाँ क्या है। बस चले जाओ चले जाओ। भगवान का लो नाम और बस चले जाओ। अरे रोड बंद है, इधर से आओ। वेट 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 वेट, टेक टर्न। हाँ यस, ओके
इतना तेज पानी ना, यहाँ बाइक अगर गड्ढे में फंस गई तो समझो गई। मैंने कहा घूम के आओ, उसने ना थोड़ा सा गलत रास्ता ले लिया। ओ भाई ये क्या जहर। रुक जा भाई, पानी का फ्लो देखो आप। लो भाई भैया का ट्रक ढेर हो गया। वो कहाँ गया भाई, फंस गया क्या? थोड़ा सा फंस गया, देख रहे हो ट्रक पूरा धस गया। रास्ता ही ऐसा, ये देखो ये गड्ढे दिख रहे हैं, इन मार्क्स में अगर आप चले गए ना। अबे बड़ा भाई यहाँ रोकने की जगह नहीं प्रभु मेरे। पीछे ही रह जाएंगे। नदियां समंदर कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, बस चले जाओ। और आगे एक ट्रक आ जाए ना तो भाई साहब ऐसी की तैसी हो जाती है। इसके तो ऑफ रोड टायर है ना, फर्र से निकल जाता है। मेरे भैया रोड टायर से, मेरे को थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं अपन जो है ना उधर पानी पीने पहुंच जाएंगे एक ही झटके में। तो अभी यार हमारे 150 किलोमीटर पूरे हो गए, और 150 किलोमीटर पूरे करने में हमको लगे पूरे पूरे 6 घंटे। ये मतलब मैं सीधा बोलूँगा मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन रास्ता, और भगवान ना करे कभी कोई ऐसा एडवेंचर देखे। मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मैं दोबारा कभी ऐसी रास्ते में ऐसा एडवेंचर करूँ, और वो इसलिए क्योंकि एडवेंचर आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन यार जो रिस्क है ना वो आपकी कंट्रोल के बाहर है। जिस तरह के मौसम में और जिस तरह के हालातों में हम लोग राइड कर रहे हैं ना, देख रहे हो साइड में, तो मतलब हो गया एडवेंचर बस पोखरा। हम लोग अभी भी 50 किलोमीटर पीछे हैं, अभी तो पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है आगे। वो तो चलो दो भाई हैं तो किसी तरीके से मन लगा है। मैन जस्ट लुक एट द रिवर, मैन दिस इज डेडली एंड डेंजरस। चलो पुल में तो रोड अच्छी कम से कम। दहशत वाले नज़ारे, एक नज़ारे होते हैं जो आपको खुश करते हैं, एक नज़ारे फिर ऐसे हो जाते हैं जो आपको डरा देते हैं। तो अभी वो वाला माहौल चल रहा है पूरा भाई। यू सी दिस एक्सट्रीमली डेंजरस, पूरी सड़क में भयंकर पानी चल रहा है यार, कहाँ से जाना सही रहेगा। ओ भाई इतना फ्लो है ना पानी का, बाइक पूरी ही भेली जा रही है। तो चाइनीज भाई मिल गए आपस में, बाइकों से धुआं निकल गया, देख रहे हो आप। इंजन में पानी आ गया पूरा, इतना तेज वाटर फ्लो था भाई, ऐसा फ्लो तो मैंने आज तक नहीं देखा पानी का। बिल्कुल रोड को बिल्कुल उड़ा दिया है इसने, पत्थर तक हिले जा रहे थे जब वो पानी जा रहा था ना, मैंने देखा एक बड़ा सा पत्थर इधर को चला गया। ओ भाई तो कुछ ज़्यादा ही पानी हो गया यार, भयंकर। ओ मैन लुक एट द फ्लो डेडली भाई, रोड के ऊपर से पानी चल रहा है, देख रहे हो आप। इतना ज़्यादा पानी हो गया है कि बगल वाली नालियाँ फुल हो गई हैं, तो अब रोड के ऊपर से बहाव चल रहा है। तो आगे बस जा तो रही लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि रोड कहाँ कितनी गहरी है क्या है, तो हम लोग ना फंस जा रहे हैं। तो भाई आगे है तो थोड़ा सा आइडिया लग जा रहा है। अंदर लूज पत्थर है ना, तो बाइक पूरा डिसबैलेंस हो रही है बहुत बुरी तरीके से। ओए ओए भाई, ओ भाई चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, चढ़ गए भाई। भाई बोला 2 मिनट का ब्रेक ले लो, तो रुकते हैं जरा। Let's have some food. You want some food? Yes, yes, let's go. भाई को थोड़ा खाना खाना है। भाई अभी चाइनीज में इसको कन्वर्ट कर रहा है। ट्रांसलेट। या डू इट नाइस। गुड यार, बढ़िया ऐप लेके आया भाई। भाई के तो नोट भी पूरा पूरा भीग गए। ऑल वेट। हां नाइस। पावर। ओ पावर। पावर दो। इट्स 900 सीसी। ओ नहीं। ओ ओ ओ। हां हां 900 सीसी। Yours is 500 500 cc. Yes, yes. वैसे मैं तो नहीं रुकता, अब सीधा बोखरा में रुकता, लेकिन भाई को भूख लग गई तो मैं कहा चलो कोई ना
इतना तो करना बनता है भाई। खा लेते हैं कुछ फिर निकलते हैं यहाँ से। बारिश ही बारिश भाई, पक गए बारिश देख देख के भाई। अभी अभी बातों में पता चला कि भाई जो है पिछले एक साल से राइड पे हैं, मतलब बीजिंग से स्टार्ट किया इन्होंने चाइना से, उस बाद पूरा चाइना घूमा, अब नेपाल आए। यार गजब, मतलब एक साल से बंदा घर नहीं गया यार, राइड पे ही है। ये होते हैं असली राइडर, हम और आप तो छोटे मोटे हैं अभी भाई। सलूट है भाई को यार, क्या राइडिंग लगाई भाई ने खतरनाक एक साल से। ऐसा कभी हम भी निकलेंगे टाइम लगा तो। 1 ईयर, ग्रेट ग्रेट भाई ने भयंकर सा पिज्ज़ा मंगाया दो लोगों के लिए। पिज़्ज़ा बहुत बड़ा, देख रहे हो मेरा हाथ इतना छोटा है, फुल साइज पिज़्ज़ा है और मैंने रैप मंगा लिए, ज़्यादा हो गया खाना। चलो यार आखिरी एक घंटे का सफ़र और पूरा करते हैं और पहुंचते हैं पोखरा। बहुत सारा खा लिया भाई ने, इतना ऑर्डर कर दिया उसको शायद समझ नहीं आया, एक पिज़्ज़ा एक बर्गर उसके बाद रोल्स, हालत ख़राब हो गई खाते खाते। लेकिन यार इंस्पायर कर दिया भाई ने, सही बता रहा हूँ, एक साल में पूरा चाइना घूमा, नेपाल घूमा। ऐसे ही यार मेरे को भी निकलना है कि 7-8 महीने घूमता ही रहूं, अपनी पूरी कंट्री अपना इंडिया मस्त घूमूं और उसके बाद विदेश घूमे चल के अपन। ये करेंगे यार एक दिन, ये करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट दिखाते रहो भाई आज के वीडियो के लिए। यार आई होप आपको ये जो खतरनाक रिस्की एडवेंचर है आपको पसंद आया होगा, तो यार सब्सक्राइब कर लेना अगर मन करे तो, है ना, अगर लगे कि हाँ भाई मेहनत करी है मैंने, आपकी कृपा हो जाएगी भैया, आपकी कृपा हो जाएगी। आगे नज़ारा देखो भैया, ऐसा लग रहा है और ख़तरनाक बारिश आने वाली है, बिल्कुल पहाड़ पे बादल ही बादल है। लोग बता रहे हैं कि इतना 2-3 दिन पहले इतना बारिश नहीं था, आज बहुत ज़्यादा बारिश है। तो भैया हम आए और बारिश ना, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। हाँ इस डेंजरस रास्तों के बीच में कभी कभी व्यू भी मिल जाते हैं, देखो कितना साफ पानी का झरना है, देख रहे हो बहुत ही प्यारा। किसी को नहाने का मन हो बढ़िया नहा लो यहाँ पे। हेलो पोखरा, आ गए हम आपके पास। इतनी परेशानियां आई, इतनी दिक्कतें आई, लेकिन आ गए भाई, आ गए। वो कहते हैं ना, वो जिया तो क्या जिया अगर रिस्क ना किया, और वो जिया तो क्या जिया अगर रिस्क ना लिया। क्या कहते हैं सर जी, सब कुछ करना है और सब कुछ करके तब आगे बढ़ना है। हाँ एनीवेज गाइस, अपन पहुंच चुके हैं पोखरा, जो था अपना आज का टारगेट। टाइम हो रहा है 6:20, बहुत ही बढ़िया। बारिश की बूंदों में जो हेडलाइट का जो वो आ रहा है ना, आय 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 आय, दिल खुश हो चुका है क्योंकि प्लेन अच्छी रोड मिल रही है हमें। दिन भर की तरह बारिश अभी भी हो रहे हैं और ये 10वां घंटा है जब हम कंटिन्यूस बारिश में बाइक चला रहे हैं, 10वां घंटा। कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। लो जी फाइनली अपन पहुँच गए अपने होटल। तो अभी हम अपने रूम पहुंच चुके हैं, आते ही सबसे पहले मैं थोड़ी देर सोया। सारा सामान यार सूखने रखा है, इतना गीला है। ड्रायर चलाया मैंने दम से, उसके बाद जो है मैं कहा सब सुखा लेते हैं। जूते गीले हो गए, पूरा हेलमेट गीला हो गया, मतलब हर चीज़ गीली है, सुखाने रख दिया है। एक एक राउंड मैंने ड्रायर से सुखा दिया है, बाकी अब सुखाएंगे थोड़ी देर धीरे धीरे करके। वो देखो रेन गार्ड लगा दिए। तो बढ़िया रहा सफ़र, बट यार बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। एनीवेज हम पोखरा पहुँच गए। कल का सफ़र यार डिसाइड करना है कि मुक्तिनाथ की तरफ जाना है, जो कि लोअर मस्टैंग है, जाना है कि नहीं जाना। कई लोगों ने बताया कि तत्ता पानी एक जगह है, वहाँ पे इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है कि आप आगे जा ही नहीं सकते और बहुत रिस्की है। तो सुबह देखेंगे, लेट्स सी कैसे रोल होता है, क्या करते हैं। बाकी आज का अगर वीडियो अगर अच्छा लगा, एडवेंचरस लगा हो, तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। तो फिर आई थिंक काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कल आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब आगे बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक के लिए बाय बाय एंड जॉय।